हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल रात में एक बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसने कहा कि सर, हमने सुना है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न जारी कर दिया है टर्म टू एग्ज़ाम का। अब मैं भी चौंक गया कि भाई अभी तक तो नहीं था और वो सब हमें जो सूचना मिली थी उसके हिसाब से तो अभी नेक्स्ट वीक में आने की उम्मीद है जो पैटर्न है उसका। ऐसे कैसे जारी हो गया? और मैंने बहुत सर्च किया, रात में हमें तो कुछ मिला नहीं। आज सुबह भी कई बच्चों के मैसेजेस आए और कॉल्स आए और सबने कहा कि सर सीबीएसई का पैटर्न जारी हो गया। तो मुझे नहीं पता कि सीबीएसई का पैटर्न जारी हो गया, इसीलिए मैंने आज सीबीएसई के ऑफिस में बात की कि क्या आपने पैटर्न जारी किया है, तो वहाँ से क्या सूचना मिली है, सब कुछ मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। प्लस हमने जब बात की तो हमने कहा कि भाई लगे हाथ पूछ लेते हैं टर्म एंड रिजल्ट का भी। हालांकि अब अगर आप सीबीएसई के ऑफिस में फ़ोन करके और सीबीएसई का रिजल्ट पूछ रहे हों तो देखिए वो लोग कितना खींचते हैं। भाई कोई भी खींचेगा यार, एक महीने से तुम लोग लगातार फ़ोन कर करके रिज़ल्ट कब आएगा पूछ रहे हो और लगातार रोज़ सब लोग डेट दे रहे हैं। मैंने भी एक गलती से डेट दे दिया जो कि पोस्टपोन हो गया कोरोना की वजह से, कोरोना की केसेस भी बढ़ रही हैं। तो तुम मुझे कमेंट करके ये बताना कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। और बच्चों, जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं वो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा देखेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ काम की खबरें हैं। टर्म वन वालों, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि तुम्हारी कॉपी फिर से चेक हो रही है सीबीएसई में। जो सूचना मिली है हमें, ओएमआर की स्कैनिंग हो रही है कि भाई जो सीबीएसई के स्कूलों ने नंबर भेजा है उसके हिसाब से क्या ओएमआर में भी नंबर है या ऐसे चढ़ा करके भेज दिया। क्योंकि अगर स्कूल वाले चीटिंग करा सकते हैं, सीबीएसई ने तो ऐसा नहीं कहा कि चीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन भाई जब पैटर्न चेंज हुआ, पेपर में कितना सब कुछ निकला कि लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तो बात में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात थी ही थी। तो अब सीबीएसई इस बात को लेकर के सतर्क है और वो एक बात और सोच रही है कि भाई अब की बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, बच्चों को पता है कि कितना क्वेश्चन हम सही करके आए हैं। अगर गलती से किसी एग्जामिनर ने, किसी इवेल्युएटर ने कम नंबर चढ़ा दिया होगा फिर तो बच्चे हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो बच्चों को लगता था पता नहीं कहां से कट गया, अब की बार तो बच्चे सही सही भर के आए हैं और किसी ने उल्टा सीधा नंबर चढ़ा दिया, फिर तो सीबीएसई के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सीबीएसई दोनों तरफ से सतर्क है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। प्लस जो जनरल मार्किंग हुई है, जनरल मार्क्स जो दिए गए हैं, जैसे कुछ पैराग्राफ हटाए गए, कुछ क्वेश्चंस हटाए गए, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे, लोग कह रहे हैं कि इस पर बोनस मार्क्स दिए गए। पता नहीं कौन सी खोपड़ी लेकर के आ रहे हैं बच्चों, बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अब अगर तुमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब तुम्हारी तो गलती नहीं थी, तो वो जनरल मार्किंग हो जाती, मतलब सबको नंबर दे दिए जाते। दिस इज कॉल्ड जनरल मार्किंग इन टीचिंग लैंग्वेज इन इवेल्युएशन। इसको बोनस मार्क्स नहीं कहते। बोनस का मतलब होता है, जैसे कहते बोनस मिला है, सैलरी में बोनस मिला कि तुमने जो काम किया उतना मिला, काम के अलावा एक दो दिन, चार दिन या दस दिन की सैलरी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गई। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है कि तुमको 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर था तुमको 50 मिल गया। 40 के क्वेश्चन पेपर में तुम 50 नंबर पा जाओ, दैट इज बोनस। पता नहीं कौन से बेवकूफ है किस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं। खैर बच्चों, आप लोगों की कॉपी फिर से चेक हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट में। हमने आज जब बात की सीबीएसई में तो पूछा कि प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हुए बच्चे जिनका रिजल्ट, मतलब सॉरी, जिनका फॉर्म नहीं भर गया है, जिनका मिस्टेक हो गया है, उनके लिए क्या सूचना है। तो बच्चों, वहां से जो प्रतिक्रिया मिली वो यही मिली कि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और जैसे ही कोई डिसीजन होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड होगा, आप देख लीजिएगा। और नॉर्मली यही डिसीजन मिलता है, अभी तुम रिजल्ट के बारे में पूछ लो तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये इसने क्या पूछ लिया। तो बच्चों, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ट्विटर पर मेरे साथ आओ, एक कैंपेन चलाते हैं जितने भी बच्चों को करेक्शन करना है या फिर से फॉर्म चाहिए। ट्विटर का आईडी हम शेयर कर रहे हैं, उसको फॉलो कर लो और हम संडे के बाद, मतलब अगले वीक में इसका कैंपेन चलाएंगे। तब तक फॉर्म आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो बच्चों, अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10 आईआईटी जेईई नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये एक घंटे का टेस्ट 23 January और 29 January को तथा 6 और 13 February को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही बच्चों, एनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर 12 मंथ्स या
ऐप के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ के या ऐप के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स क्रैक। बहरहाल उम्मीद है, पॉजिटिव है कि जिन बच्चों का फॉर्म छूट गया है उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और जिनमें करेक्शन की जरूरत है उनको करेक्शन का भी मौका मिलेगा। इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एक और बात मैं बता दूं बच्चों कि जो पैटर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला लोग कर रहे हैं ना, इसी के चक्कर में पड़ करके बच्चे फेल हो जाएंगे। तमाम बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम तक वो मिसगाइडेड रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ के पढ़ना है। देखो, तुम क्या पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ रहे हो। भाई, तुम वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो जो पूछा ही नहीं जाता या जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो तुम्हें तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए ना, तुम्हें तो इसके लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो अपने टीचर से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस टॉपिक में कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, अपनी पढ़ाई तुम सही तरीके से चालू रखना और जो केसेस है कोरोना के घटे बढ़े क्या हो क्या नहीं हो, एग्जाम कैंसिल होने की संभावना एज पर माई सोर्सेज इज लेस देन 1%। 1% से भी कम संभावना है आपके एग्जाम्स कैंसिल होने के। पोस्टपोन हो सकता है अगर बहुत परिस्थितियां चेंज हुई, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा यार। इसलिए तुम पढ़ाई बंद मत करना। अगर तुम सोच रहे हो कि बाद में होगा, ऐसा है वैसा है, ठीक है बाद में भी होगा तो एग्जाम तो देना ही देना है। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नहीं तो तुम व्यवस्था कर लो इधर उधर से कहीं से, या तुम हमारे ही सपोर्ट ग्रुप से जुड़ जाओ, या तुम कहीं से भी यार जहां से तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव पढ़ो। तुम्हारे पास मैंने फिर से बताया था NCERT होनी चाहिए, आपके पास में आपका खुद का CBSE का मतलब NCERT का एग्जाम्पलर होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे पढ़े हैं उनको उसके बारे में जानते हैं। और तीसरा, अब तुम अनसॉल्व तो खरीद ही लो, अनसॉल्व नहीं खरीद सकते तो मैं अब तुम मुझसे जुड़ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ तुम्हारे ओल्ड पेपर्स तुम्हें मिलेंगे फ्री में, एकदम फ्री में मिलेंगे। CBSE के ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, वहां से जाकर के तुम डाउनलोड कर लो और 10 साल के पेपर्स अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस टॉपिक से कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके पास में कोई सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर है तो दैट्स एनफ फॉर यू, और इसी को बेस बना करके तैयारी करो। एग्जाम अगर कैंसिल होना हुआ तो यकीन मान करके चलो कि कैंसिल भी अगर होगा तो अगस्त सितंबर में कैंसिल होगा, या जुलाई उलाई तक तो CBSE वेट नॉर्मली करेगी ही करेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया 2 साल से ऐसा ही देखा जा रहा है कि जुलाई के बाद ही कुछ होता है। तो तब तक खूब मन लगा करके पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना चाहते हो तब भी मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है और पास होना है। बच्चों, तुम उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था और सभी लोग पास हो गए थे और तुम फेल हुए थे, तुम्हें उस दिन को याद करना है, फिर पढ़ाई करनी है, तब तुम्हारा मन लगेगा, तब तुम्हें ये फील होगा कि अरे यार थोड़ा सा मेहनत कर लेते। वैसे यार तो तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का लक साथ नहीं दिया, लेकिन तुम फेल होने लायक नहीं थे। तुम में से बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, हमारे सपोर्ट ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं जो फेल होने लायक थे ही नहीं यार, पता नहीं क्या लक साथ नहीं दिया, वो लोग लिख के भी आए ठीक ठाक तरीके से, फेल हो गए। और कुछ बच्चे तो एक के बाद 2-3 बार फेल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि क्या दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी यार तुम एक बार हारे हो, 2 बार हारे हो, एक बॉल तुम्हारा मिस हो गया है, तुमने बैटिंग की नहीं मार पाए, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे बॉल पे मारोगे, तीसरे पे मारोगे और मल्ल किसी पे नहीं लगा, लास्ट बॉल पे भी तुम सिक्सर मार सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में लगे, मन लगा करके। और इससे बेहतर मौका बच्चों तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम प्राइवेट या इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो यकीन मान करके चलो यार 50% सिलेबस टर्म 1 में और 50% सिलेबस टर्म 2 में, और वो भी 50% क्या है, 70 का मतलब 30% पहले से ही डिलीटेड था, टफ टफ टॉपिक्स यार पहले से ही डिलीटेड थे। 70% बचा था, 70% को 2 भागों में टर्म 1 टर्म 2 में बांट दिया, और टर्म 1 में भी टफ वाला पोर्शन निकल गया, इजी वाला पोर्शन टर्म 2 में बचा है। बहुत सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल जाए और थोड़े से भी सही तरीके से तुम पढ़ो तो तुम टर्म 1 के भी मार्क्स सुधार सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो टर्म 1 के आधार पर, टर्म 2 के आधार पर रिजल्ट बनना है। तो तुम वेस्ट मत करना, एक दिन भी पढ़ाई बंद मत करना बच्चों। और जैसे ही पैटर्न वगैरह कन्फर्म हो जाता है कि पैटर्न क्या है, अभी पता तो है लेकिन एकदम कन्फर्म नहीं 100% जब तक CBSE की नोटिस ना आ जाए, जैसे ही ये कन्फर्म होगा हमारी वीडियोस आएंगी और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप को नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये में, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये जो भी तुम यूज़ करते हो कहीं पे, 1 साल से बड़ा कम होता है बच्चों। बाकी जैसी आपकी इच्छा,
तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, मन लगा करके पढ़ाई करना, बंद बिल्कुल मत करना अपनी पढ़ाई को। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी भी पैसे के पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। बच्चों ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में बता के जाइएगा कि आपने लास्ट तक देखा है, और आपके लिए आने वाले मंथ में कुछ खास लेकर के आने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।